कभी भी आना तो झंडे वाले निशान वाली कश्ती को पकड़िएगा गडानी के अंदर, तो आपको बादल साहब मिल जाएंगे, सच्चे पक्के पाकिस्तान जिंदाबाद। सही, बहुत खूबसूरत नजारे देखें यहाँ पर, देख सकते हैं कितना साफ, भी एक अपना मजा है। तो यहाँ पे दो घोड़े मौजूद हैं और काफी खूबसूरत भी हैं, एक वाइट है एक वो हफ्ते इतवार के दिन ही हो है, वो बिस्किट्स हो गए, पापड़ वगैरह हो गए, मुख्तलिफ स्नैक्स वगैरह हो गए, तो इस तरह की सर्दी का मौसम है इसीलिए ढीला है, मछली नीचे चली गई है, अस्थमा होता है। ये इसका सूप पीते हैं और ये सूप जो होता है ना काफी सर्दियों में बड़ा बेहतरीन होता है उनके लिए। पी केकड़े मिल रहे हैं आपके, यहीं से पकड़ लो और सूप बनाओ और पियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल वहाब। दोस्तों आज हम मौजूद हैं गडानी के खूबसूरत तरीन सहल के ऊपर। ये सहल इंतहाई आपको साफ सुथरा बेहतरीन और सेफ सहल में है। यहाँ पर आप आके फैमिली के साथ घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और खूब मजे ले सकते हैं। ये सहल के ऊपर, गडानी के ऊपर आज आपको मुकम्मल रिव्यू दिखाएंगे कि इसके ऊपर आपने इससे पहले आ भी चुके होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन 2023 के अंदर इस सहल के ऊपर कौन कौन सी तब्दीली आई है, कौन कौन सी तफरी मकाम के ऊपर नई नई चीजें आई हैं, आपको तमाम तर चीजों से हम आगाह करेंगे। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं आपको ये मुख्तलिफ किस्म की कश्तियां नजर आ रही होंगी। दोस्तों ये माहिगीरों की कश्तियां नहीं है, अगर आप यहाँ पर आते हैं फैमिली के साथ आते हैं या इंडिविजुअल आते हैं, इस सहल पे इन कश्तियों के ऊपर बैठकर आप सफर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको समंदर के आपको चक्कर घुमाया जाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर लेके जाएंगे और आप समंदर के अंदर भी एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे अगर पीछे आप देख सकें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इस वक्त समंदर की अगर बात करें तो ये जो लहरें हैं वो काफी थमी हुई हैं और समंदर काफी नीचे उतरा हुआ है, क्योंकि ये सर्दियों के दिन है, ठंडे दिन है, और इस जगह पर अगर आप आते हैं तो काफी अभी इंजॉय भी कर सकते हैं समंदर के अंदर। ये मेरे पीछे देख सकते हैं घोड़े वाले मौजूद हैं, यहाँ पे आप घोड़ों पे बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको सामने एक पहाड़ नजर आ रहा होगा, ये समंदर के बिल्कुल अकब में है। इस पहाड़ के ऊपर जाके आप थोड़ा सा समंदर के अंदर की लहरों को देखना चाहते हैं तो वहां पर भी आप जाके ऐसे ही भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, अभी एक कश्ती वाले से बात करेंगे कश्ती के अंदर ये क्या तरीका कार होता है, किस तरह आप इन कश्तियों के अंदर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर जो मजे हैं वो अगर समंदर के लेना चाहते हैं तो दुबाला कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दिन होते हैं एंजॉय करने के काफी अच्छे दिन होते हैं, इन दिनों में अपनी सैर और तफरी को आप जारी रख सकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं कश्ती, ये काफी नए अंदाज की कश्तियां हैं और खूबसूरत कश्तियां, अगर इनके अंदर आप बैठते हैं तो गडानी के अंदर जो सहल है उसकी फुल तफरी कर सकते हैं, फुल एंजॉयमेंट ले सकते हैं। पहले ये सिस्टम यहाँ पर नहीं था, लेकिन अभी ये नया गडानी के अंदर नया तफरी का मौका मिला है लोगों को, यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। ये इनके ये देख सकते हैं ये मशीनें लगी हैं जहाँ से ये चलाते हैं, अंदर लेके जाते हैं आपको, ये हमारे पास मौजूद हैं इनके जो ड्राइविंग करते हैं इस कश्ती को चलाते हैं दोस्त, इनसे हम बात करेंगे कि अगर सहल के ऊपर आते हैं एक कश्ती में बैठते हैं तो तकरीबन क्या किराया होता है और कितने लोग ये कश्ती में बिठाते हैं और क्या तरतीब होती है, तमाम आप इनसे बात करेंगे और आपको इसी वीडियो के अंदर बताते हैं। तकरीबन 20 बंदा बैठ सकता है कश्ती को, आराम से चलाएगा, लोगों को सहल अच्छी तरीके से कराएगा और ये कश्ती में आराम से चलाएगा लोगों को ताकि मजा आ जाए। अच्छा ये तकरीबन कितना चक्कर लगवाते हैं? चक्कर रोड का 100 रुपया लेता है, लंबा चक्कर देगा स्पेशल मजे वाला लोगों को ताकि मजा आ जाए। अच्छा 100 रुपए में, वो तो एक एक बंदे से आप 100 रुपए लेते हैं ना? अच्छा तो पूरे अगर कश्ती में कोई अकेला बंदा लेके जाता है तो फिर आप कितने लेके जा रहे हैं लेते हैं? 200, 300, 500। अच्छा 200, 300, 400, 500 में, ये तकरीबन कितना बड़ा चक्कर दे देते हैं? चक्कर रोड का हिसाब होता है, लंबा रोड देते हैं, कार के पीछे जाएगा घुमाएगा घुमाएगा ताकि लोगों को मजा आ जाए। अच्छा और अभी तकरीबन कितनी कश्तियां हैं यहाँ पे तकरीबन 15 होएगा, 15 कश्तियां हैं। अच्छा लोग क्या कहते हैं यहाँ पे गडानी के, अभी जो साफ सुथरा पानी है लोग आके कैसा एंजॉय करते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों को? हम लोगों को कहते हैं बहुत मजा आता है सैर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पानी के अंदर उलझा करता है तैरता है लोगों को ताकि मजा आ जाए। अभी देखें हम चल रहे हैं एक और कश्ती वाले के पास और यहाँ भी अभी इससे बात करते हैं, अभी ये समंदर के अंदर हम चल रहे हैं
और काफी मजा आ रहा है। सर्दियों में भी ये नहीं है, एक ठंडक का फील तो नहीं आ रहा, काफी अच्छा लग रहा है, एंजॉय हो रहा है, बड़े मजे आ रहे हैं। अभी हम इस कश्ती के ऊपर भी चलते हैं और इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के झंडे लगाए हैं इन्होंने कश्तियों के ऊपर, और ये देख सकते हैं कश्तियों की जो कंडीशन है वो काफी अच्छी है। अगर आप ये इन कश्तियों का सफर करते हैं तो आप इंजॉय भी कर सकते हैं, बेहतर कंडीशन में ये कश्तियां हैं, तो बड़ा मजा आएगा आपको इन कश्तियों पर सैर करके। फाइनली जो है ना कश्ती में सवार हो चुके हैं और आपको जो ना सहल समंदर की जो अंदर जाके जो खूबसूरती होती है ना कश्ती में बैठ की, वो भी आपको दिखाते हैं और आपको कितना मजा आता है और ये आपको टोटल बताएंगे। और हमारे साथ जो है ना दोस्त हैं, ये देख सकते हैं सामने बादल साहब, और ये देख सकते हैं ये बहुत बड़ी रेस लगाते हैं। अगर सहल समंदर में जो रेस होती है तो इसमें भी इनकी कश्ती जो है ना वो हर दफा जीत जाती है। तो आज ये बड़ी जो रेसर है ना टॉप कराची का सहल का, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है, उनको हमने लिया है। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इनके साथ आप आके बहुत अच्छा एंजॉय भी कर सकते हैं और पानी में बड़े मजे ले सकते हैं। तो अभी आपको मुकम्मल आपको अंदर की सैर करवाते हैं कि कश्ती में बैठ के कैसे आप सैर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर की व्यू। अब तो मैंने आपने मेरी बात सुन ली, तो अभी आपको बाहर के थोड़ा सा मौसम भी दिखाते हैं, एंजॉय। तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नई किस्म की कश्ती है, इसके ऊपर हम अभी जो सवार हुए थे, आपको अंदर की भी ये पूरी दिखा देते हैं वीडियो कि कितना मजे की है। और ये जो है ना ये आप बादल साफ जो है ना ये अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, यहाँ लेकर आए ताकि ये स्टार्ट कर लिए भाई। अब जो है ना थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी तो ये बराबर में भी ये देख सकते हैं, ये सच्चे पक्के पाकिस्तानी है। अगर कभी भी आना है तो झंडे वाले निशान वाली कश्ती को पकड़िएगा गडानी के अंदर, तो आपको बादल साहब मिल जाएंगे, सच्चे पक्के पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के जो है ना ज्यादा मोहब्बत करने वाले शहरी हैं, और इन्होंने झंडा भी पाकिस्तान का लगाया हुआ। तो ये हम दोस्तों पहुंच चुके हैं अंदर, गहरे समंदर की तरफ जा रहे हैं, और अभी साथ साथ समंदर में जाते जाते बादल भाई से गुफ्तगू भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बादल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का करम भैया। आज हमें समंदर की सैर करा रहे हैं। इत्तेफाक से आप बताऊं तो गडानी वाले सैर की पहली मेरी थोड़ी सी इंजॉयमेंट होगी समंदर में जाने की, तो मैं काफी एक्साइटेड तो लग रहा हूं। आज आप हमें जो है ना वो एक टूर करा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त है माशाल्लाह, मौसम सही है, हमारे गडानी इलाके गए हैं, गडानी माशाल्लाह जबरदस्त है, यहाँ से पानी भी साफ है जबरदस्त है, यहाँ पे बोटें भी चल रहे हैं माशाल्लाह, जितने बंदे भी पिकनिक पे आते हैं यहाँ पे पिकनिक पॉइंट पे जबरदस्त है माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ क्या चीज है कि जब भी यहाँ के लोग जो ना काफी मतलब पूरे इखलाक हैं और मोहब्बत करने वाले लोग हैं? बस यहाँ पे जितने बंदे सब गरीब है माशाल्लाह, मतलब साहली इलाके में जितने बंदे होते हैं सब माशाल्लाह, मतलब वो बंदे नहीं है, मतलब लड़ाई करने वाले झगड़े करने वाले बंदे नहीं है यहाँ पे, सब माशाल्लाह गरीब है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बहुत सारी बोटें हैं यहाँ पे, लेकिन आपकी वह बोट है आपने जो पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ है, वजह क्या है? मैं पाकिस्तान को मानता हूँ, मेरा मुल्क है, ईमान है, मैं पाकिस्तान हर वक्त मानता हूँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, यहाँ पे खा रहे हैं यहाँ पे पी रहे, तो अपने मुल्क का झंडा लगाना चाहिए। सही, हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमने बादल भाई से बात कर ली थी, तो अभी ये देख सकते हैं हम इस वक्त सहल समंदर में दरमियान में आ गए हैं, और यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के निशान भी लगाए हैं, और सामने देख सकते हैं कि निशान लगे हुए हैं, ये मुख्तलिफ कश्ती सवार जो है ना आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मायगीर हैं सारे, ये मछली पकड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यह मछलियाँ लिखी हैं नहीं लिखी, ये भी तो आप किसी से अगर मिलेगा तो हम पूछेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वहाँ से, हम ये सामने से आए थे ये पहाड़ की उस तरफ से, तो यहाँ पे ये पूरी जेटी बनी हुई टाइप की, अगर यहाँ आप आके आना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के आप समंदर के नज़ारे तो ले सकते हैं, लेकिन ये गहरे समंदर में आना कश्ती के अंदर इसकी तो कुछ बात ही और होती है। और पैसे तो हमने आपको पहले बता दिए थे कि भाई ये आप कितने में इस कश्ती के अंदर आ सकते हैं, ये जबरदस्त कश्तियां हैं, खूबसूरत कश्तियां हैं, और ये नज़ारे जो आपको मिलते हैं ना सामने, ये देख सकते हैं पहाड़ के काफी खूबसूरत है, नीचे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पहाड़ों के अंदर भी छोटी छोटी टाइप की सुरंग टाइप की बनी हुई है, देखें बड़े खूबसूरत किस्म के नज़ारे आपको मिलते हैं यहाँ देखने को, ये देख सकते हैं काफी अच्छा मतलब माहौल है। और खासतौर पर सर्दियों में अगर आप आना चाहते हैं
तो आप इतना स्विमिंग करना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंडा नहीं है, आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि हम तो अंदर भी उतर के देखा है, आपको दिखाया भी है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आए गडानी के अंदर ये आप ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कितना साफ और शफाफ पानी जैसे नजर आ रहा है, तो ये आपको जो ये देखने को मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा कश्ती के अंदर जब आप बैठेंगे सफर करेंगे। और खासतौर पे आप देखें जैसे खूबसूरत इनके सबकी अगर देखा जाए तो सबकी वैरायटी कश्तियों की बहुत अच्छी है, और मोहब्बत वाले लोग हैं और प्यार करने वाले लोग हैं, इनके साथ आप यहाँ पे सफर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं यहाँ के नज़ारों को। तो ये देख सकते हैं, ये वो हमने आपको बताया था ये बाउंड्री का निशान, ये दोबारा वहाँ से घुमा के ये साथ से चक्कर दे के ये वापसी लेके आ रहे हैं। अभी सामने हम देखते हैं, अगर किसी दोस्त किसी माहिगीर के पास ले चलते ना, वहाँ से उनसे बात करते हुए चलते ना, तो आगे देखेंगे किसी माहिगीर के पास भी अगर कश्ती में उसके पास अगर किसी ने कोई शिकार किया हुआ है तो वो मछलियां भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मछली का शिकार भी होता है गडानी के अंदर ना, और लेकिन वो कश्तियों के ऊपर होता है, कुंडी वाले हमें कोई नजर नहीं आया कुंडी से शिकार करते हो। तो आप यहाँ पे अगर चाहते हैं शिकार करना भी तो इन कश्ती वालों के साथ भी आप शिकार कर सकते हैं, शिकार के आप शौकीन हैं तो। ये अभी सामने हम वापसी की तरफ एक चक्कर लगा के आ रहे हैं, तो मुकम्मल आपको इसका पूरा हमने आपको दिखाया, देख सकते हैं थोड़ी सी डिसबैलेंस तो हो रही है, लेकिन अल्लाह खैर कर, ये सामने आपको दिखाया था पहाड़ के हम दोबारा से उस तरफ से आए थे और वापसी इस तरफ हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं गडानी को तो ज़रूर आएँ, और काफ़ी अच्छा बन चुका है अभी आप देख सकते हैं, जैसे ये पूरा हमने आपको दिखाया था ये कितना साफ सुथरा इलाका हो चुका है, काफ़ी मेंटेनेंस हो गई है, काफ़ी सफाई हो गई है। और इसमें आप जैसे कराची का शहर आप देखते हैं और नस्बतन गडानी का शहर देखते हैं तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको सफाई मिलेगी, गंदगी बिल्कुल नहीं है, पूरा तरीके से मेंटेन किया गया है। और आने वाले वक्तों के अंदर मजीद ये जो है ना वो कुछ रेस्टोरेंट्स की तामीर हो रही है, तो आने वाले दौर के अंदर यहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, होटल्स खुल जाएंगे, तो मजीद ये तफरी के मौके और ज्यादा हो जाएंगे, आप आके इनके अंदर यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, तफरी कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ कश्तियाँ आपको नजर आ रही होंगी, ये कोई अंदर आया हुआ शिकार के लिए, कोई यहाँ पे घूमने के लिए, ये भी हमारे साथ ही निकले थे, ये भी अंदर इस मंदिर के अंदर घूम रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, और सामने भी आप देख सकते हैं कि सामने एक वो बाउंड्री है, सिलान कौन सा समंदर भाई तो दोस्तों फाइनली हमारा राउंड जो है ना चक्कर तो हो गया है, एक चक्कर तो काफ़ी मज़ा भी आया, इंजॉय भी किया है शायद इस मंदिर को, और बादल भाई के साथ हमने सफ़र भी कर लिया, काफ़ी इंजॉय भी कर लिया हमने, आज समंदर की लहरों को भी समंदर की गहराई को भी देख लिया कि समंदर कैसा है सहले, खासतौर पर जो गडानी का है। तो अगर आप गडानी के सहल पर आते हैं और कश्तियों पे बैठ के अंदर के नज़ारे नहीं लेते तो समझ ले आपने एक बड़ा तफरी का मौका जो है ना वो गवा देते हैं। तो मामूली से पैसे होते हैं जैसे हमने आपको शुरू में बता भी दिए, तो आपने अगर जब भी कभी गडानी आना हो तो कश्तियों पे बैठ के अंदर के थोड़ी सी सैर लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको समंदर के अंदर जाके थोड़ी सी और फीलिंग आ जाती है, थोड़ा सा और इन्जॉयमेंट में इजाफा हो जाता है, बड़ा आपको अच्छा लगने लगता है समंदर में जब जाते हैं, और आपको जो असल समंदर होता है ब्लू कलर का, ब्लू सी जैसे कहते हैं, वो तो थोड़ा सा नीले कलर का आपको समंदर पानी नज़र आने लगता है, उसके पर आप इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है आप समंदर के अंदर देखते हैं, और मुख्तलिफ कश्तियाँ भी आपके पास से गुजर रही होती हैं तो उसका भी एहसास होते हैं कि लोग और भी घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की जो है ना तफरी आपको अपनी जिंदगी में लाजमी रखनी चाहिए। दोस्तों ये देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग, समंदर की हॉर्स राइडिंग का भी एक अपना मजा है, तो यहाँ पे दो घोड़े मौजूद हैं
और काफी खूबसूरत भी है। एक वाइट है, एक ब्राउन वाइट है और काफी अच्छे घोड़े हैं। लेकिन इसका जो ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है, वो एक छोटा सा बच्चा है। ये देखो, क्योंकि अभी बड़ा एक चक्कर का और कितना बड़ा चक्कर देते हो? अच्छा, क्या नाम है? अजान। अजान। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं घोड़ा सवार के साथ। ये गटानी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने घोड़े रखे हुए हैं। अभी इनके बच्चे से बात की थी, अभी इनसे बात करते हैं कि ये काफी इस गटानी के मकाम पे बहुत पुराने हैं, और क्या इनका नाम है, कितने पैसे लेते हैं, कितने घोड़े हैं इनके पास, और सुबह कब आते हैं, कब जाते हैं, ये तमाम बात आपसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से हैं यहाँ पर? बहुत टाइम हो गया, 6-7-8-10 साल हो गए। अच्छा, 8-10 साल हो गए। अच्छा, कब आते हो आप, कब जाते हो? 8 बजे 9 बजे इधर आता है, 6 बजे 6:30 बजे चले जाते हैं। और गटानी में अमूमन पब्लिक कब से कब आती है, कब आती है, कब जाती है? 3:30 बजे 3:30 बजे 2 बजे रश होता है। अच्छा, रश नहीं है ना, ऐसे बैठा हुआ है। अच्छा, हफ्ते इतवार ही रश होता होगा? हाँ, हफ्ते इतवार रश होता। और कितने पैसे ले लेते हैं आप लोग घोड़े के? 100 रुपये लेते हैं। अच्छा, 100-150 रुपये लेते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बात की हॉर्स राइडिंग वाले, इसके साथ भी इन्होंने बताया कि ये तकरीबन 100-150 रुपये ले लेते हैं और हॉर्स राइडिंग करवाते हैं ये सहल समंदर के ऊपर। लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं यहाँ पे, इंजॉय करती हैं। और अमूमन जो रश होता है वो हफ्ते इतवार के दिन ही होता है यहाँ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं तो इतना रश क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पब्लिक फिर भी आई हुई है। अभी सुबह का वक्त है और इन्होंने बताया जो रश होता है वो स्टार्ट होता है वो तकरीबन दोपहर के करीब जो है ना स्टार्ट हो जाता है। और खाने पीने के हवाले से बात करें तो ख़ास आपको, अगर आप सहल समंदर पे आते हैं गटानी के, तो कुछ खाने की चीज़ें आपको वहाँ से घर से या रास्ते से लेके आनी होंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो नहीं है, लेकिन आपको छोटे से ठिए मिल जाएंगे जिसमें आपको बिस्किट्स वगैरह चीज़ें, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ठिए पे, वो अमूमन आपको मिल जाएंगी। खाने पीने की बिस्किट्स वगैरह हो गए, स्नैक्स वगैरह हो गए, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप ले सकते हो। तो हम अभी जा रहे हैं सामने एक टीले की तरफ जो गटानी के मकाम पर है, उस तरफ भी जाते हैं हम, आपको वहाँ भी दिखाते हैं नज़ारे। हमने आपको अंदर के नज़ारे दिखा दिए, लोगों से बातचीत करके दिखा दी। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, क्योंकि अगर आप गटानी सहल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे होटल नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी किस्म की भूख लगती है और इनकेस क्योंकि समंदर पे आते हैं तो वो सब जरा भूख लगना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, चाहे वो बिस्किट्स हो गए, पापड़ वगैरह हो गए, मुख्तलिफ स्नैक्स वगैरह हो गए, तो इस तरह की आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, और थोड़ा बहुत टेंटेटिव प्राइस वगैरह क्या होती हैं, कीमतें वगैरह क्या होती हैं, तो वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये भाई हैं जो सेल करते हैं, ये आपको यहाँ पे 2-3 किस्म के इस तरह के ठेले मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और तकरीबन कितना मुनासिब पैसों में आप दे देते हैं? हम वही जो रेट बाजार का है वही रेट बेचते हैं। अच्छा, यो आपके पास क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? हमारे पास बोतल, कोल्ड ड्रिंक, ये सारा वगैरह सिस्टम करती हूँ सामान है। अच्छा जो, ये सारा आप मुनासिब कीमत में दे देते हैं? जी, यो सही। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं माहीगीर के पास, और सर्दियों के दिन है और मुख्तलिफ लोग भी शिकार करते हैं माहीगीरों का, तो जो रोजगार का सिलसिला होता है वो होता ही मछली का है। तो इस वक्त हम एक माहीगीर के साथ मौजूद हैं। ये अभी ये देख सकते हैं, ये सुबह गए थे शिकार के लिए, लेकिन अभी क्या पकड़ के लाए हैं और क्या सूरत है, ये अभी जाल को वॉश कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब बताइएगा, आप कब शिकार पे निकलते हैं, कब लौटते हैं, क्या शिकार लगता है? सुबह सवेरे निकलते हैं, सही है, शाम पे आते हैं, शिकार नहीं है, शिकार सर्दी का मौसम है, इसीलिए ढीला है, मछली नीचे चली गई है। नीचे चली गई है। अच्छा, ये जो चल्ला आइलैंड पे सर्दियों में जाते हैं शिकार करते हैं, तो वहाँ भी नहीं लग रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, अब तक दूर तक जाते हैं। अच्छा, ताकि और मारा था पसीने तक। अच्छा, हाँ, वहाँ तो कभी जाते हैं, मच्छी नहीं है।
अच्छा अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अगर कोई मतलब शहरी आपसे दो चार ग्रुप आए और मछली के लिए, उनको भी लेके जाते हैं क्या साथ में? लेके जाते हैं, मछली अच्छा, तो नहीं है ना, मछली नहीं है। तो आपने देखा इन्होंने ये कहा कि अगर कोई मतलब और भी शहरी आता है तो उनको भी शिकार में लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी जो सर्दियों के दिन है उसकी वजह से यहाँ पे अभी शिकार वो लग नहीं रहा। तो ये अभी अपने वो जो जाल था उसको वॉश कर रहे हैं। ये इनकी कश्ती है, ये देखें बड़ी कश्ती है, काफी बड़ी सी है और इसके अंदर अच्छा इसका नंबर भी होता है कश्ती का कि कौन सी कश्ती है, ये देख सकते हैं इनका नंबर भी लगा हुआ है और ये इनका जो है ना पूरा सिस्टम यहाँ कश्ती ये लगा हुआ है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस टीले के ऊपर, एक किस्म की ये जेटी है जहाँ पे आवाम जो है ना आके रुक जाती है और यहाँ पे जो है ना समंदर की जो है एंजॉयमेंट कर सकती है। सामने देख सकते हैं जैसे शहरी रुके हुए हैं और अभी हम ये सामने आपको उतर के भी दिखाते हैं कि अगर आप जो है ना यहाँ पर आते हैं एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, समंदर के अंदर देखना चाहते हैं। अभी देख सकते हैं जैसे हमने आपसे जिक्र किया था जो पानी की लहरें हैं वो सर्दियों में थोड़ी सी थम जाती हैं और गर्मियों में यही लहरें ये समंदर तेज हो जाता है और ये इस जगह पर जो ना ऊंचाई में पानी आ रहा होता है गढ़ानी के इस जगह पे। अगर आपने ये जगह तो शायद देखी ही होगी लेकिन हमने आपको अंदर भी जाके समंदर में कश्ती पे बैठ के भी दिखा दिया। और अभी हम नीचे उतरते हैं इस टीले से और एक किस्म का टीला बना हुआ है, उतर सकते हैं। ये अभी हम उतर गए, ये देख सकते हैं नीचे से पानी आ रहा है समंदर में और कितना मजा आ रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पे आके आप समंदर के अंदर ये सारा पहाड़ों के नीचे पत्थरों के नीचे आपको जो ना ये जो पत्थर लगे हुए हैं इसके नीचे देखें पानी कैसे दाखिल हो रहा है, इन पत्थरों के नीचे पानी है, ये सामने ये समंदर है और अल्लाह की कुदरत का वो नजारे हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हम इंसानों के लिए ये समंदर पैदा किए। ये नीला समंदर, खूबसूरत नज़ारे ये आपको मिलेंगे गडानी के अंदर। सफाई आप देख सकते हैं, इस पानी के अंदर कचरा नहीं है, गंदगी नहीं है। आप ये खूबसूरत नज़ारे सिर्फ गडानी के अंदर ही आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। आपको साफ सुथरा नीला पानी आपको मिलेगा, कचरा नहीं होगा, इन पत्थरों के ऊपर चढ़ के भी आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। काफी हम ये देख सकते हैं करीब पहुंचे हैं, ये सामने के नज़ारे हैं, ये किस्म का ये पथरीला पत्थरों से बड़े बड़े पत्थरों से एक किस्म का ये जेटी टाइप की बना दी है आवाम के लिए जो यहाँ पे आती हैं। अब ये एक छोटा सा केकड़ा भाग रहा है, ढूंढते हैं जरा उसको, फॉलो करते हैं केकड़े को, फॉलो करते हैं। और ये रहा भाई, केकड़ा है भाई, जो सूप पीते हैं ना आप लोग अक्सर, जिनको सांस की बीमारी की तकलीफ होती है, अस्थमा होता है, ये इसका सूप पीते हैं और ये सूप जो होता है ना काफी सर्दियों में बड़ा बेहतरीन होता है उनके लिए। केकड़े मिल रहे हैं आपके, यहीं से पकड़ लो और सूप बनाओ और पियो। और ये भाई देख सकते हैं ये यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं, ये इनकी तस्वीरों का सेल्फी सेशन चल रहा है। अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों हम इस वक्त गडानी के एक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर चढ़ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ना तो मुश्किल है क्योंकि इसका रास्ता जो है ना थोड़ा सा स्लिपरी सा है, लेकिन फिर भी आखिर हिम्मत करके हम ऊपर चढ़ ही गए हैं। ये देख सकते हैं काफी स्लिपरी सा है और काफी बड़ी सी पहाड़ी है, इसके भी चोटी पे चढ़ते हैं और आपको यहाँ के नज़ारे भी थोड़े से करवा देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम चढ़ चुके हैं इसकी चोटी के ऊपर, ये देख सकते हैं कितनी चोटी खूबसूरत है और थोड़ा सा मिट्टी टाइप का पहाड़ है, पत्थर नहीं है इसमें इतने ज़्यादा लेकिन है खूबसूरत। इसके ऊपर ज़्यादातर कोई आम आदमी चढ़ते नहीं है लेकिन हम चढ़ गए हैं, थोड़ा सा सांस भी फूला है क्योंकि वो साफ जरा आपको पता है पराठे जो खाए हैं। तो दोस्तों ये नीला और हरा समंदर अगर आपने देखा है तो बड़ी खुशकिस्मती है। अगर आप अपनी जिंदगी में इस नीले और हरे समंदर को देखना चाहते हैं
तो आपको गडानी का दौरा जरूर करना चाहिए। इसके ऊपर काफी खूबसूरत जगहें हैं, एक्सप्लोर हम कर भी रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और एक किस्म का ये पहाड़ी सिलसिला भी है जो गडानी के साथ ही है, और इसके ऊपर हम मौजूद हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कैसा नीला समंदर है, जिसकी ये खूबसूरत लहरें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और ये सामने आपको वो गडानी का वो बीच पॉइंट है जहाँ पर अक्सर लोग घूमने के लिए आते हैं, सफर करके दूर दराज से। यहाँ पे लोगों ने बताया है कराची से, सिंध से, बलूचिस्तान से, क्वेटा से और मुख्तलिफ इलाका जात से यहाँ लोग गडानी का सफर करते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पे इस गडानी की तरफ रुख करते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मनाजिर हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोगों बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, मोहब्बत देने वाले लोग हैं। तो ये हमने आपको पूरा मनाजिर यहाँ के दिखा दिए। गडानी की वो खूबसूरती को निखारना और आप लोगों तक पहुँचाना, हमने अपना काम कर दिया। मुख्तलिफ जगहें गडानी की हमने आपको दिखाई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, इससे आपको फायदा मिला होगा। आपने अपनी कमेंट्स के अंदर राय जरूर देनी है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो अगला सफर है वो हमारी गडानी शिपयार्ड का है। वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इंटरनेशनली जहाज यहाँ पर आते हैं, उनको शिप ब्रेकिंग यार्ड पर उनको तोड़ा जाता है और किन किन चीजों में वो इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आपका हमारा सफर जारी रहेगा और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और हमें सपोर्ट जरूर करनी है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है। आपने लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी करना है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।